जस्ट अ मिनट सर, मैडम आपसे बात करना चाहती है। सब लाइन पर है। पैट, वी हैड एन एक्सीडेंट। सेक्स का उतार चढ़ाव छोड़, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेक्स लाइफ। उतार है या चढ़ाव? ऑफ कोर्स चढ़ाव है। सुबह से तीन सिंगल बेब से मिल चुका हूं और तीनों 65 की थी। सीरियसली डूड, यू आर द मैन। या आई एम द मैन। एक्चुअली एक बुढ़िया के लिए दूसरी बुढ़िया ढूंढ रहा हूं। अ गवर्नेस फॉर द ग्रेट मैडम खंबाटा। सीरियसली मैन, आई एम सो डन विद इट। नेक्स्ट कैंडिडेट भेजूं सर? डू आई हैव अ चॉइस? प्लीज सेंड हर इन। Today is my lucky day. Number 4 tashreef la rahi hai. Milega? No bhai, spam hi okay. Tu mera dost hai na? Main akela hi bhuktu. Check her out bro. Sale 16 ko 60 bata ke bewakoof bana raha hai. She is hot man. Come in. It was nice talking to you, Aman. Have a nice evening. Good evening, sir. I'm Sheena, Sheena Roy. Hi, Sheena. Patrick Sharma. वो गवर्नर्स की जॉब के लिए एप्लीकेशन। गवर्नर्स? Really? I mean, अगर आप बुरा ना माने तो एक गॉर्जियस लड़की लाइक यू गवर्नर्स बनना चाहती है, ये कहाँ जायज है? तीन साल से ग्रीन ऑर्बिट हॉस्पिटल में थी। सीनियर सिटीजन ट्रीटमेंट और केयर में स्पेशलाइजेशन है। वेरी इंप्रेसिव, पर लगता है आपने हमारा एड ठीक से पढ़ा नहीं। द एड क्लियरली सेज की गवर्नेंस 50 प्लस होनी चाहिए, सीनियर सिटीजन। मैंने पढ़ा तो था, बट देन आई थॉट एज इज जस्ट अ नंबर। इट्स ऑल राइट, आई एम सॉरी मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। I'm sorry too. Thank you, sir. Excuse me, ma'am. Hi. Welcome back. Please. Age is just a number.
फ्रैंकली रिक्रूट करना मेरा फील्ड नहीं है. मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हूं, पर खंबाटा मैम को मना नहीं कर सकता. यू सी, उनकी प्रीवियस गवर्नेंस की पिछले हफ्ते डेथ हो गई थी, कार एक्सीडेंट. बहुत एफिशिएंट थी वो. लेट्स सी, मैं तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूं. वी कुड टेक अ चांस. थैंक यू सर. अभी नहीं, कल डिनर पे कर सकती हो. जी हाँ. खंबाटा रेजिडेंस के रूल्स और प्रोटोकॉल समझने के लिए एक डिनर का वक्त तो लगेगा ही. नाइस मीटिंग यू शीना. थैंक यू सर. शीना, इस जॉब के लिए सिंगल होना भी एक कंडीशन है. सो आई होप यू आर. आई एम सिंगल सर. देयर आई वांट यू टू गेट द जॉब. गुड लक. Hi. Hey. How was your day? Hot. Just like you. Oh, really? Thank you. No, thank you. ऐसे वक्त में साथ देने के लिए. वक्त बदलता है अपने नहीं. How was the interview? Did you get the job? मिल जाएगा. That calls for a celebration. कल शाम तक हमारा future decide होगा. I can hardly wait. Sorry. वैसे मुझे वक्त पर आने की बुरी आदत है, लेकिन खंबाटा मैम आज कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रही थी, इसलिए लेट हो गया. आपने कुछ ऑर्डर किया? नो मिस्टर शर्मा, आई वाज वेटिंग फॉर यू. कॉल मी पैट. वो क्या है ना, मिस्टर शर्मा खंबाटा मैम के जमाने का लगता है. एक्सक्यूज मी. गुड इवनिंग सर. योर यूजुअल व्हिस्की प्लीज. आस्क द ब्यूटीफुल लेडी. व्हाट वुड यू लाइक टू हैव मैम? पिना कोलाडा. वर्जिन? यस. Then make that too. Sure, sir. Thank you, sir. Actually, खंबाटा मैम के मन में कुछ बातें सेट हो चुकी हैं कि यंग लड़कियों के बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बॉयफ्रेंड, शादी वगैरह वगैरह, यू नो व्हाट आई मीन. पर इसे मेरा सेल स्टॉक का हो या अपना गुड लक, वो तुमसे मिलने के लिए तैयार हो गई हैं. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. इट्स रियली काइंड ऑफ यू. वरना आजकल के टाइम में दूसरों के लिए कौन इतना करता है. थोड़ा पिकअप लाइन जैसा लगेगा, लेकिन अपना बनने से पहले हर कोई गैर ही तो होता है. अच्छा, कल खंबाटा रेजिडेंस जाने से पहले यू नीड टू नो सम रूल्स. पर उससे पहले एक जरूरी काम. शायद तुम्हारा ईगो हर्ट हो, पर ट्रस्ट मी, ये जरूरी है. Ma'am, sir, enjoy your drinks. Thank you. Cheers. Ma'am, Miss Sheena aayi hai governess ki post ke liye. Good morning, ma'am. Excuse me, I have to take this. Have a nice weekend, Mr. Kulecha. कोई बात नहीं, मैं रुकता हूँ. So how are we doing this morning, ma'am? ये लड़की जो तुमने भेजी है,
शीना बहुत यंग नहीं है? मैम वो एक क्वालिफाइड नर्स है तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। पर कोई बात नहीं, बैकअप तैयार है। मिसेस रॉड्रिक्स कल शाम 6 बजे आपके घर पहुंच जाएगी और मैंने गाचा उमा ना सही ह्यूमर तो है। ऑफ कोर्स मैम। और तुम्हें पता है उसे म्यूजिक का भी नॉलेज है? जी पता है, एक्चुअली ये भी एक रीजन था उसे सेलेक्ट करने का। नो यू डिडंट। तुम्हें कुछ पता नहीं था, बस एक ही प्रॉब्लम है। जी क्या? शी लुक्स लाइक माय ब्लडी स्कूल टीचर। सॉरी अबाउट दैट मैम। इसे 3 महीने के प्रोबेशन पे रखेंगे, उसके बाद फाइनल कॉल मैं लूंगी। मैम आप तो इंसान को 3 सेकंड में परख लेती हैं। 3 महीने कुछ ज्यादा नहीं हो गए? पता है मैंने शादी क्यों नहीं की? ऐसी स्टूपिड फ्लर्टी लाइन सुनने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर मैम। ओके लिसन, नेक्स्ट वीक जब आओगे 1 लाख कैश लेके आना और पेटीएम वॉलेट में कुछ अमाउंट भी ट्रांसफर कर देना। जी हैव अ गुड। कम ऑन रिकी, डोंट लुक एट मी लाइक दैट। तुम तो जानते हो ये हॉस्पिटल वाला 9 to 5 जॉब नहीं है। आई हैव टू बी देयर 24/7। अब समझ आया जो डैड कहा करते थे कि जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, जिंदगी हमें अक्सर उसी से दूर ले जाती है। बाबा हम हर सैटरडे मिलेंगे ना। हमारे आने वाले साल अच्छे हो उसके लिए 3 महीने की दूरी जरूरी है। I don't know, मैं तुम्हें ये सब क्यों करने दे रहा हूं। I'll really miss you. You're all I have. I'll miss you too. But I'm doing this for us. Hey, remember me? Hello, sir. Good morning, sir. एक कॉल तक नहीं किया तुमने। Not done. वो सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि आपको फोन करने का टाइम नहीं मिला। Dinner this weekend. कॉल करूंगा। Good morning, ma'am. आओ पैट, आओ। मैं गौरव से कह रही थी कि मैं अपने घड़ी का वक्त पैट के टाइमिंग पे रख सकती हूँ। मैम मैं तो सिर्फ घड़ी का वक्त सेट करवाता हूँ, वकील साहब तो इंसान का वक्त सेट करवाते हैं। सेटिंग वाले तो आप हैं, शेयर मार्केट में सामने वाले को तो शेयर मिलता ही नहीं, आपको मिल जाता है। मैम जो आपने मंगवाए थे 1 लाख। डॉक्टर नवीन का फोन आया था, वो आके आपके ब्लड शुगर लेवल्स चेक करेंगे और फिर रात का डोजेज डिसाइड करेंगे या बीपी टैबलेट। Thank you. Thank you. She's a quick learner. मैं इस लड़की को कुछ एडवांस देना चाहती हूँ। She desperately needs a makeover. अब किसी को स्टाइल टिप्स तो आप जैसी कोई दीवा ही दे सकती हैं। इस बात पे मैं पैट से एग्री करता हूँ। You know she's efficient. Good choice. रूल्स तोड़ना भी एक आर्ट है मैम। ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस है या घमंड? ये तो बस आपका प्यार है। मैम वो सेंटर कुछ प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स कल रेडी हो जाएंगे। आई विल कीप यू इन द लूप। ओके। हैव अ गुड डे मैम। शीना को 70,000 सैलरी पे शुरू करें? जी। व्हाट डू यू थिंक? परफेक्ट। मैम ये रोलन सीमेंट के इक्विटी पेपर्स है, प्लीज साइन कर दीजिए। नॉट अगेन। Thank you.
Wow, that was nice. Thank you. Chopin, my favorite. अब उस सीडी को निकाल कर उस पर मेरा नाम लिखकर वहां रख कर आओ. अच्छा लगता है जब ओरिजिनल और मेरे रिकॉर्डिंग में कोई फर्क ही नहीं पता चले. इतने बड़े घर में आप अकेली रह लेती हैं? जो थे वो चले गए, जो हैं वो भी चले गए. कौन? तो योर फर्स्ट वीकेंड क्या प्लान है? मूवी देखकर तो बर्बाद नहीं करोगी ना? वो डिनर के बाद आपके इंसुलिन का इंजेक्शन भी तो देना है. उफ़, वो सब तो मैं 1947 से कर रही हूँ, इतना तो खुद कर सकती हूँ. जी सॉरी मैम, आई डिडंट मीन टू बी रूड. नाउ ऑफ विद यू. शू, गो ऑन, गो एंजॉय योरसेल्फ एंड लिसन. रोड क्रॉस करते हुए ध्यान रखना, बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ. आपको ड्रॉप कर दूँ? नो थैंक्स, पास वाले मॉल में ही जाना है. डेट मूवी? नहीं, अकेले ही देखूंगी. बेहतर है, अगर मैडम को किसी बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला तो अच्छा नहीं होगा. ये नींद भी बड़ी अजीब चीज है यार, मौत की तरह बेफिक्र कर देती है और साथ की साथ जिंदा भी रखती है. बहुत मिस किया तुम्हें. सोच रहा हूँ जॉब लेके गलती की या गलत जॉब ले ली. इस तरह के पेचेक के लिए सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा ना. किसको जलन हो रही है मेरी खुशी से? बट बैंक का गाय पैट्रिक शर्मा. Watch your back. इसी पे शाबाशी मिलती है और खंजर भी. मुझ पे भरोसा है लेकिन डर भी लगता है. शिकायत मैं जिससे करूं वो तुम हो, तुम ही हो जाने जा. गुजारिश ये ख्वाहिश फरमाइश मैं जिससे करूं वो तुम ही हो साथिया. चेहरा तेरा मांगे आंखें मेरी हो जाना, तेरी जुस्तजू में कटता हर दिन मेरा. जाना वे मोहब्बत करते रहना रे, हो मौसम चाहे कैसा भी हमेशा मेरा रहना रे. जाना वे मोहब्बत करते रहना रे, हो मौसम चाहे कैसा भी हमेशा मेरा रहना रे. जाना वे मोहब्बत करते रहना रे, हो मौसम चाहे कैसा भी हमेशा मेरा रहना रे. ख्यालों में मैंने तुझको बना था, हकीकत में मुझको तू मिल गया. यही सोच के मैं खुद हैरान,
रब को ये कैसे पता चल गया, लिखी थी मुकद्दर में चाहत तेरी हो जाना के तू जहां में मेरा हो ही गया। जाना रे मोहब्बत करते रहना रे, हो मौसम चाहे कैसा भी हमेशा मेरा रहना रे। जाना रे मोहब्बत करते रहना रे, हो मौसम चाहे कैसा भी हमेशा मेरा रहना रे। Believe me, ma'am, आप खामखा paranoid हो रही हैं। Cataract Please don't mention cataract again, doctor. मेरे chronic diabetes के साथ मैं अंधी नहीं बनना चाहती। अरे पैट, कहीं मुझे ये मारने का प्लान तो नहीं? लगता है डॉक्टर नवीन भी हेडलाइंस में आना चाहते हैं। तुमने क्या किया साथिया, ये तूने क्या किया बेलिया, ये तूने क्या किया। तुम्हारा क्वालिटी इतनी बार सुन चुका हूं कि याद हो गया। सो हाउ इज द जॉब, और हमारी डियर मैडम खंबाटा कैसी लगी आपको? अच्छी है, आई लाइक हर। 70,000 के लिए उन्हें कैसे मनाया मैं जानता हूं। थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट। अच्छा, लग तो नहीं रहा। मैडम वेट कर रही होगी। इतना अटैचमेंट भी अच्छा नहीं है स्वीटहार्ट। And don't forget, तुम्हारी नौकरी खंबाटा मैम की मर्जी पर नहीं टिकी है, मेरी मर्जी पर टिकी है। Please be patient with me, मैडम बहुत शकी है, वो टाइम की बहुत। और मुझ जैसे बिजी इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास तो बहुत वक्त है तुम्हें 5-star होटल के रेस्टोरेंट में खाना खिलाने का। देखो, मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि हम दोनों इतना रिक्वेस्ट मत करो स्वीटहार्ट, इट विल बी माय प्लेजर। सर इट्स वेरी रिस्की फॉर मी, अगर मैडम को पता चला तो। और हेल्प विद दैट ओल्ड हैग। फिर से गवर्नेंस ढूंढनी पड़ेगी। डोंट मेक मी डू दैट। अगले शनिवार द रिजॉर्ट में, एंड प्लीज आंसर माय कॉल्स। साथिया, ये तूने क्या किया? सॉरी सर, क्या हुआ? अटक गई थी क्या? हाँ, लेकिन सही बटन दबाते सब ठीक हो जाता है। मैम कुछ पता भी नहीं चलेगा। बिलीव मी यू'ल एंजॉय योर रीडिंग। मैम योर क्लोथ्स आर हियर। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम 10 मिनट पहले आई थी? नहीं मैम, वो लिफ्ट में कुछ प्रॉब्लम था तो मुझे सीढ़ियों से आना पड़ा। 25 फ्लोर चढ़कर
Did you hear that, doctor? चलो चलो बैठो, मुझे ये न्यूज पढ़कर सुनाओ. अरे कहाँ हो यार तुम? I'm almost ready. I'm so sorry, Ricky. मैं निकल ही रही थी but मैम की तबीयत अचानक खराब हो गई. अब उन्हें ऐसी हालत में अकेला छोड़ के तो नहीं आ सकती ना. तुम अभी भी वहीं हो? कुछ दवाइयाँ लेने नीचे आई हूँ. I'm so sorry, Ricky. I'll make it up to you next week. I love you. अगर मैं दरवाजा नहीं खोलता तो तुम सारी रात बाहर ही रह जाती. प्लीज खूबसूरत लम्हे होते हैं. अफसोस शरीफ लोगों ने इसे अय्याशी का नाम दे रखा है. कर रहा है दिल आज जिद कर रहा है दिल करना है बस तुझे हासिल आज जिद कर रहा है दिल ओ मुझ में तू हो भी जा शान आज जिद कर रहा है दिल छोड़ जा तेरे साथ मुझको तू जोड़ जा ये जो कांच के जैसी एक दीवार है मेरी बाहों में उसे तोड़ जा ये जो एक अधूरापन है एक दूसरे से भर दे जिसे उम्र भर ना भूले वो लम्हे मिल जाए मान ले मुझे तेरे काबिल आज जिद कर रहा है दिल ओ मुझ में तू हो भी जा शान आज जिद कर रहा है दिल बेपना तुझ पे फिदा हूँ बेपना तुझे चाहता हूँ बेपना तुझे मानता हूँ बेपना बेपना तू नशा तू खुमार तेरा जुनून सर पे सवार आज तू खुद को मेरे यार दे पिला मुझे सिर्फ तेरी लगन है उस
से मिलके पूरा कर दे, मेरी इतनी सी है ख्वाहिश तेरा प्यार मिल जाए, बन भी जा तू मेरी मंजिल, आज जिद कर रहा है दिल, ओ मुझ में तू हो भी जा शामिल, आज जिद कर रहा है दिल। You're amazing. थोड़ा impersonal हो, पर अक्सर मिलते रहे तो we'll get to know each other better. Hey, जल्दी क्या है? ये रूम सुबह तक है हमारे पास. Have a drink. 12:30 बज चुके हैं. कोई भी फिल्म 6 घंटे के लिए नहीं चलती. कंबाटा को मेरी जरूरत पड़ सकती है. अरे फगत दे संगी बुढ़िया, आंख से दिमाग तक सब कुछ जवाब दे चुका है, सिर्फ जबान चलती है वो भी कैंची की तरह. शी इज अ ब्लडी बोर एंड ट्रस्ट मी, उसे पता भी नहीं चलेगा कि तुम घर पर हो भी या नहीं. एंजॉय योर ड्रिंक. आपको उनके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वो आपको रिस्पेक्ट भी करती है और पसंद भी. पसंद माय फुट. जवान मर्दों का शौक है बुढ़िया को. कभी कभी सोचता हूं कि उससे शादी कर लो. हाँ थोड़ा झेलना पड़ेगा, पर जस्ट इमेजिन व्हेन शी इज गॉन तो जैकपॉट लग जाएगा. मुझे लगा आप सच में उनकी कदर करते हैं, वो सब ही दिखावा है. फॉर गॉड्स सेक शीना, क्या हो गया तुम्हें? Let's not discuss that room. That's strange. वो आपको सच में पसंद करती हैं. तभी तो उन्होंने अपनी वसीयत में अपने लंदन का कोई एस्टेट आपके नाम लिखा है. Stop kidding her. वो लंदन का एस्टेट आज की तारीख में तकरीबन 100 करोड़ का होगा. Really? फिर तो आपको ये बात बिल्कुल सीरियसली लेनी चाहिए. Good one. You got me. अच्छा एक बात बता, उन्होंने ये बात मुझे 3 साल में नहीं बताई और तुम्हें 1 महीने में बता दे, कैसे? Women talk, you know. Over wine. शाम में जैसे जैसे वाइन मिसेस कंबाटा के अंदर जाती है, वैसे वैसे उनके दिल के राज बाहर निकलते हैं. Anyways, आप मेरा यकीन क्यों करेंगे? But check it out. आप तो कभी भी वसीयत निकाल के देख सकते हैं. Anything is possible. एक महीने पहले हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, और आज गुड बाय.
गुड मॉर्निंग. कल सुबह का शेयर ऑफर वाले मीटिंग में नहीं गए? मैम मेरी तबीयत खराब थी और आपकी किस्मत अच्छी. मार्केट आज 11 बजे से गिरना शुरू हुआ है और अगले कुछ दिन तक ऐसे ही रहेगा. दो हफ्ते के बाद जब बंसल साहब वो सारे शेयर्स खरीदेंगे प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा. इनका नाम पैट्रिक शर्मा नहीं प्रॉफिट शर्मा होना चाहिए था. थैंक्स. वो क्या है कायदे कानून वकीलों के लिए है. हम बैंक वालों को मुनाफा देखना पड़ता है. मैम ये कुछ शेयर्स के रिन्यूअल फॉर्म्स हैं और कुछ रूटीन ऑथराइजेशंस. जहां पे क्रॉस मार्क है प्लीज साइन कर दीजिए. मैम यहां. मैम मेरा सजेशन है कि सारे फिक्स डिपॉजिट क्लोज करवा दीजिए और सब सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दीजिए. क्यों? एफडी में इंटरेस्ट रेट रहा नहीं इसलिए. आई थिंक अबाउट इट. Nothing illegal, Gaurav sir. अगर finances में guidance चाहिए तो मैं हूं ना. Call me. Good day, ma'am. Pat, wait. What's the hurry? Your green tea is just coming. Nah, ma'am. Not well. Take care, ma'am. कुछ चाहिए सर? हाँ वो शीना के... नीचे है मैम के मेल्स चेक कर रही है. बुलाऊं? ना नथिंग इंपॉर्टेंट. थैंक यू. सॉरी मिस्टर शर्मा लेकिन इस लेटर के बेसिस पे आई कांट लेट यू ऑपरेट द लॉकर. सो व्हाट डू वी डू? मैडम को पर्सनली आना होगा या हमें उनसे कंफर्म करना होगा. यूसी सर कल को अगर लॉकर से कुछ भी गायब होता है तो जिम्मेदारी तो हमारी होगी ना. दिस इज रिडिकुलस. पिछले 5 साल से खम्माटा मैम का हर ट्रांजेक्शन एक लेटर के थ्रू हुआ है और उन्होंने मुझे लॉकर की भी दे रखी है. Can I talk to Mr. Gautam Day, please? Sir, उनका तो ट्रांसफर हो चुका है. But you know what? We can do it right away. आप बस एक बार मेरी मैम से बात करवा दीजिए. And we can go ahead with the procedure. Can I have a number? Double 7 642 555 32. Yeah. I got it. Hello, ma'am. This is Haresh Rawal here from Western Alliance Bank. I have your letter, lekin locker operate karne ke liye aapka ek personal confirmation chahiye tha. It's just a formality. I've just taken over. Ma'am, we understand you're a very important client, but it's just a formality. It's all right. Bank protocol ke mutabik, bas ek baar aap confirmation de deti hain.
तो आपका काम हो जाएगा. नॉट अ प्रॉब्लम. ओके मैम. ऑलराइट. थैंक यू मैम. हैव अ नाइस डे. थैंक यू. कौन था वो? पैट्रिक सर से आपकी कुछ दवाइयां मंगवाई थी बट बिना प्रिस्क्रिप्शन के केमिस्ट दे नहीं रहा था. दैट्स नॉट पैट्स जॉब डियर. मिस्टर शर्मा फॉलो मी. आइए. फोन टू देम. जी सर. उसे आने दो. जी. प्लीज. उस दिन आपके जाने के बाद रूम सर्विस वालों को आपके कमरे से यह मिला सर. इज इट योर्स? नहीं, आई डोंट थिंक सो. ये लिमिटेड माइक का आजकल फैशन हो गया सर. मेरा एक दोस्त है टीवी एंकर, अक्सर ऐसी माइक का इस्तेमाल करता है स्टिंग ऑपरेशंस के लिए. मैंने सोचा महंगी चीज है, अगर आपकी है तो वापस कर दूं. तो आपको इसके बारे में पता है? हाँ, मेरा ही है. पता नहीं कब गिर गया. थैंक यू. यू वेलकम सर. ऑलवेज अ प्लेजर टू होस्ट यू सर. लुकिंग फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट विजिट. हैव अ ग्रेट इवनिंग सर. यू टू. वेरी नाइस. Thank you. Nice sunny day, ma'am. मुझे तो कल ही पता था जब वेदर फोरकास्ट पे बोला गया कि आज बारिश होने वाली है.
अच्छा एक बात बताओ, हाउ कम तुम्हारी जैसी गॉर्जियस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? फ्रेंकली जो कर रही हूँ उसी के लिए तो कर रही हूँ. मेरा मतलब है अगर मैं खुद सेटल नहीं हुई तो बॉयज छोड़िए दोस्त भी साथ नहीं रहेंगे. वेरी सेंसिबल. एक्सक्यूज मी. आओ, नॉट सो हार्ड. सॉरी. जेंटली. मुझे लगा कि वसीयत पढ़कर आप खुश होंगे, बट आप तो परेशान लग रहे हैं. सॉरी आपसे यहां बात करनी पड़ रही है, बट आदत भी तो आप ही ने डाली है ना. वो तो है का जॉब. ऑल इन गुड टाइम सर. आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, बट यहां नहीं कर सकते. तो सैटरडे मिले वहीं आपके रिसोर्ट में. आर यू ट्राइंग टू ब्लैक? सेम रूम सेम टाइम सर. Sleep well and dream of me. सॉरी सर, ये आपको बहुत अटकाती है. छोटा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं सुमेश अग्रवाल, मिस्टर गुलाटी से मिलना है 604. गुड इवनिंग सर, वेलकम बैक. मैंने सोचा हर बार आपको वेट कराना ठीक नहीं है, तो रिसेप्शन पे आपका नाम लिया और उन्होंने चाबी दे दी. गेट टू द पॉइंट. ऑब्वियसली यहां तो मेरे साथ सोने के लिए तो नहीं आई हो. मिस्टर शर्मा, हर इन्वेस्टमेंट में आप ही का फायदा हो, दैट्स नॉट फेयर. दिस इज ब्लैकमेल राइट? लिसन, आई सीन अ डाइम अ डजन लाइक यू. डील क्या है बता के खत्म करो, और जो भी रिकॉर्डिंग तुमने की है उसे वापस कर दो. जैसा दिख रहा वैसा है नहीं. इसने मुझे यहां बुलाया, पूछो इससे. लेकिन इससे पहले तो इसे आपने यहां बुलाया था. मैं तो यह भी जानता हूं कि शीना खंबाटा मैडम तक कैसे पहुंची. आप खंबाटे के भतीजे को जानते हो? रक्षित खंबाटा. एक बार मिला उससे. मैडम का सबसे बड़ा राज, लेट्स फेस इट, जिस तरीके से आपने डैड की प्रॉपर्टीज और शेयर्स अपने नाम करवाई हैं, मुझसे छुपा नहीं है. एक्सक्यूज मी, वो मेरे ग्रैंडफादर का यानी मेरे फादर का घर था, और अगर तुम कुछ खोए हो ना तो अपने फादर के कारण खोए हो, जब उन्होंने हमारे करोड़ों रुपए हमसे पूछे बिना एक एक
थर्ड रेट प्रोजेक्ट में डुबो दिए। वो आपका फायदा करने निकले थे, उनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया। ओह शट अप, तुम्हारे फादर का पार्टनर मेरा होने वाला पति था, एन ऑनेस्ट मैन जिसे तुम्हारे फादर ने फंसाया। Stop blaming my father and stop lying about what you have done. Oh, that's fantastic. Now you just get out of my house, this one and that one. You know what, Andy? I pity you. क्योंकि आप इतनी गरीब हैं कि आपके पास पैसों के अलावा कुछ नहीं है। Oh, please. But never mind. I'll see you in court, Andy. No, Gaurav, blood is not always thicker than water. उसके financial situation के बारे में सुनकर मैंने सोचा उसे घर बुलाऊं, help करूं। लेकिन उसकी हिम्मत देखो, मेरे घर में मुझे से बदतमीजी करके गया। And what does he think he can get away with it? मुझे हमेशा लगता था कि रिकी मेरा साथ देगा। But now I'm done. एक नई वसीयत बनाओ रिकी के बिना। जल्दबाजी मत कीजिए मैम, दीज थिंग्स कैन बिकम वेरी। मैं कह रही हूं बस वो करो। पैट की लंदन एस्टेट को रहने देना, एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट योर फेवरेट रेम्ब्रांड पेंटिंग, लेकिन बाकी सब कुछ मेरे चैरिटीज को जाएगा। तब लगा जिसने दर्द दिया है दवा भी वही देगा। ये बार भी क्या खंबाडा की प्रॉपर्टी है कि उनका वॉच डॉग मुझे यहां से निकालने आ गया। कहीं से भी खुद को निकलवाने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, उनका घर हो या उनकी वसीयत। खंबाडा की वसीयत में मैं हूं। थे उस किस्से से पहले, अब तुम्हारा शहर चैरिटी में जाने वाला है। तो तुम मेरे हालात को सेलिब्रेट करने आए हो? मुझे हालात नहीं, मौका नजर आ रहा है। मैं तुम पे भरोसा क्यों करूं? मैडम की वफादारी करके कुछ नहीं मिला, सोचा गद्दारी में क्या गलत है। अपने लिए ना सही, लेकिन अपने पिता के लिए इतना तो कर ही सकते हो। इस वक्त तुम्हारे अलावा खंबाटा के आसपास और कौन रहता है? उनकी गवर्नेस प्रभा। तो उसे जाना होगा, चली जाएगी। शीना को रिकी के साथ देखने के बाद तुमसे मिलाने के लिए लड़की बाहर से नहीं लानी पड़ी। लड़कियों के लिए आपकी इतनी कदर, यही शीना की नौकरी की गारंटी थी। We'll take our chances. I'm all yours. बस तुम्हारी किसी कमजोर कड़ी को ब्लैकमेल का निशाना बनाना था। पहली बार लिफ्ट में आपका मिसेस खंबाटा के बारे में बकवास सुनकर हमें यकीन हो गया कि आपको अपना बनाया जा सकता है। बस तुम्हारे साथ इस कमरे में अकेले आने के लिए शीना बिल्कुल राजी नहीं थी। रिकी के लिए उसने वो हद भी पार कर दी। Just finish this, बच्चन सिंह। पैट साहब अब बैंक से वसीयत निकालकर हमें देंगे। मैं एक नई वसीयत बनाऊंगा जिसमें सब कुछ रिकी के नाम कर दिया जाएगा। आपका लंदन वाला एस्टेट वैसे ही रहेगा। रिकी और मेरा डील हो चुका है, बहुत सारी जिंदगियां बदलने वाली हैं। तुम मुझसे खंबाटा मैम का भरोसा तोड़ने के लिए कह रहे हो? इसी कमरे में कुछ रात पहले खंबाटा की जो तारीफ आपने की थी वो सुनने के बाद उनको आप पर पूरा भरोसा हो जाएगा। देखो, फॉर्जरी इज अ क्राइम, जेल में जायदाद का कोई फायदा नहीं होता। इस पर अपने एक सिग्नेचर करने की तकलीफ कीजिए प्लीज। Thank you.
पर आपके 3 सिग्नेचर है पैट साहब। आपने कौन सा किया था अगर आप बता दें तो हम इस मामले को यहीं भूल जाते हैं। कोई जेल नहीं जाएगा, बस वसीयत बदली जाएगी और बुढ़िया मरेगी। मतलब कभी ना कभी। So, how's it going? सब ट्रैक पे है, we are almost there. सब ठीक है ना? Is there any problem? मैं कुछ दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहती थी बट आई रियली डोंट नो हाउ टू टेल यू दिस। अगर तुम किसी से प्यार करते हो क्या तुम उसके लिए कुछ ऐसा करोगे जो करने से शायद फिर वो तुमसे प्यार ना करे? तो भूल ही गया था कि तुम कैसे दिखते हो। यू चोज द रॉन्ग गर्ल। उस वक्त पता नहीं था कि वो किसी की गर्लफ्रेंड है। शी इज नॉट योर प्ले टॉय, शी इज माई गर्ल। और तुम्हारी गर्ल नहीं, मुझे तुम्हारे प्लान का हिस्सा बना दिया। बाय डिफॉल्ट वो शीना की मजबूरी थी, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं है। तुम कमाटा तुम सब, यू गेम इज ओवर, यू गाइस आर फिनिश्ड, यू गाइस आर डन। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। हर किसी में कोई ना कोई हुनर होता है। आप फिगर्स के जादूगर हैं और मैं उंगलियों का। देख लीजिए आपका लंदन वाला क्लॉज वैसे ही है। कुछ जरूरी बात करनी है।
रिक्की के बारे में। रिक्की कल मुझसे मिलने आया था, कह रहा था सबको बर्बाद कर देगा, प्लान चौपट कर देगा। अगर कमाटा को पता चल गया कि ये सब गड़बड़ है तो पता नहीं क्या होगा। अब ये तुम्हारा प्लान है, तुम ही संभालो, मुझे नहीं पता क्या करना है। कर सकती। शीना, प्लीज लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। प्लीज लिसन टू मी। आई एम सॉरी शीना, मैं अपना हक पाने की जिद में सब हार गया यार। शीना, कोई भी जायदाद मेरे लिए उस बुरी याद को नहीं मिटा सकती। टू हेल विद द डर्टी मनी यार, हम जैसे हैं वैसे रह लेंगे, वी गुड। शीना, द प्लान इज ऑफ, कम बैक। Let's get out of this bloody city. Ricky, please. Take it easy. हम बात कर सकते हैं। ठीक है शीना, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। Relax. बात करनी है। एक लॉन्ग ड्राइव पर चले। अभी जल्दी याद किया मुझे, अब रेगुलर कस्टमर का डिस्काउंट मत मांग लेना। एक प्लान को फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा अगले 2-3 दिन में। कौन है ये टाइम? एक बुढ़िया। होलसेल में बुढ़ियों को उड़ा रहे हो? ये भी गाड़ी से लगना तो ये भी एक्सीडेंट ही चाहिए, चोरी का मामला। जेवर बहुत पहनती है, जो हाथ लगे उठा लेना। अता पता? रिकी की आवाज। मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। अरे दरवाजा खोलो। लिया। 50 लाख कल शाम तक भेज देना। हाँ के अलावा और कोई जवाब? उसकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। रिकी ने कोई गलत आदमियों के सामने मुंह खोल दिया होगा। वो लोग जो मांग रहे हैं अगर हमने नहीं दिया तो वो रिक्की को, रिक्की कुमार कैसे कैसे करें?
मुझे थोड़ा सा वक्त दो, देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मैम, आपके ब्लड शुगर लेवल्स लो हो गए हैं। हैव दिस। थैंक यू। मैंने एक आदमी का इंतजाम किया है, वो कल यहाँ पियानो ट्यूनर बन के आएगा और यहाँ से जेवर निकाल लेगा। मामूली चोरी लगनी चाहिए, इसलिए रेजिस्ट मत करना। ये जेवर देकर अमरीकी को छुड़ा लेंगे। खंबाटा के सारे जेवर इंश्योर्ड है, इसलिए कोई नुकसान नहीं होगा। बस दिमाग ठंडा रखना। एक्सक्यूज मी मैम, कार सर्विस का अपॉइंटमेंट लिया है, पर गैराज वाले कार ड्रॉप करने को कह रहे हैं, शाम तक लौटूंगा। ठीक है ठीक है। अरे पैट को जरा फोन लगाना। योर टर्न। मिनट में तुमने तीसरी बार अपनी घड़ी देखी है, क्या बात है? मैम वो एक्चुअली पियानो ट्यूनर को बुलाया था लेकिन अभी तक आया नहीं। तो क्या हुआ, हम कहाँ मरे जा रहे हैं? मिसेस खंबाटा, रूफटॉप पियानो ट्यूनर। आई हैव वन अगेन। हियर। हर बार जीतना थका देता है। जरा मेरा फोन लाना वहां से। पैट कहां गायब हो गया? कम ऑन क्विक क्विक। हेलो। हेलो मैम, पियानो ट्यूनर बुलाया था आपने, वो आए हैं। हाँ। ऊपर भेज दो। हाँ नहीं दीजिए।
हेलो, यस डॉक्टर। हाँ, वो सुबह में उनका बीपी थोड़ा हाई था, बट शी इज ओके नाउ। आज नहीं, कैन यू प्लीज कम टुमारो? ओके, थैंक यू, थैंक यू। शीना, हेलो मैडम, पियानो के लिए बुलाया था। शीना प्लीज, आप जरा दरवाजा खोल सकते हैं? थैंक यू। आप पियानो रिपेयर करने आए हैं? बच्चन का फोन है आपके लिए। आपका फोन नहीं लग रहा था। हेलो हेलो, मेरी बात सुनो, तुम वहां पे कोई बहाना बनाओ और निकलो अभी के अभी, फौरन। क्या हुआ? मैं फोन पे नहीं बता सकता, तुम वहां से निकलो अभी। ठीक, शुक्रिया। बच्चन का फोन आया था। शीना, सॉरी मैम, मैं वॉशरूम में थी, कुछ कंफ्यूजन हो गया है। क्या? पियानो ट्यूनर के बजाय पियानो रिपेयरर भेज दिया उन्होंने। वंडरफुल, रिपेयरिंग और ट्यूनिंग में फर्क नहीं मालूम? बिल्कुल अपनी गवर्नमेंट की तरह। उसके ड्राइविंग लाइसेंस से आपका पता मिला, मालूम हुआ काफी रैश चला। आप अगर आकर बॉडी आइडेंटिफाई कर सके। हमारा नाता टूट चुका था। मेरा कुछ कहना इस वक्त ठीक नहीं होगा, रहने दीजिए। संभल जाओ, अगर बुढ़िया ने तुम्हें इस तरह देख लिया तो उसे I don't care। कौन थे वो लोग, कैसे हुआ ये सब? पैसे तो हम देने वाले थे, जो हुआ रिकी की वजह से हुआ। मैडम, उसका कोई दुश्मन, एनीवन जो उसे किसी तरह का? उसके लिए मैं ही सबसे बड़ी दुश्मन थी, लेकिन मेरे लिए वो कुछ नहीं था। मैं ऐसे जा रही हूं। इस तरह नहीं, हम इस गेम का कोई निशान नहीं छोड़ सकते। मेरे लिए ये गेम नहीं था। रिकी, रिकी मेरा हस्बैंड था। आई वाज डूइंग ऑल दिस फॉर हिम। गुड मैरिज की थी हमने, किसी को बताया नहीं था। इसका मतलब जानती हो? बीवी होने का मतलब रिकी के बाद उसका सब कुछ कानूनन तुम्हें मिलेगा। We're back in the game। मैं नहीं। जिंदगी तो अपने तरीके से चलती है, औरों के सहारे तो जनाजे उठा करते हैं।
किसी ने खूब कहा है कि जिंदगी तुझसे हर एक सांस पर समझौता करूं। शौक जीने का है मगर इतना भी नहीं। जब तक हमारी जरूरत रही मोहब्बत अभी तक मोहब्बत रही। जब तक हमारी जरूरत रही इनायत अभी तक इनायत रही। मिले तुम हो ऐसे के अनजान हो ना चाहत रही ना मुरवत रही। तन्हाइया तूने क्यों दी है बेवजह रे रुसवाइया तूने क्यों दी है बेवजह रे बेचैनिया तूने क्यों दी है बेवजह रे खामोशिया तूने क्यों दी है बेवजह रे। बताऊंगा क्या जिन रातों में तू मेरी बाहों में था उन शामों को मैं समझाऊंगा क्या जिन शामों में तू मुझे मिलता रहा। मिलोगे जो फिर से तो एहसान हो है चाहत यही अब है हसरत यही। तन्हाइयाँ हाँ तूने क्यों दी है बेवजह रे रुसवाइयाँ हाँ तूने क्यों दी है बेवजह रे बेचैनियाँ तूने क्यों दी है बेवजह रे खामोशियाँ मैं दोबारा वहां जा नहीं सकता और कोई रास्ता नहीं है। वो घर से बाहर कम निकलती है तो फिर तुम एक कदम ले लो। अफ्रीका से खास आजमाया हुआ तीन बूंद और तीन मिनट में खम्बाटा का खेल खत्म। पहले आवाज जाती है फिर जान
और पोस्टमार्टम सिर्फ हार्ट अटैक बताता है। किसी को मारना इस प्लान का हिस्सा नहीं था। तुम्हारे हस्बैंड का मरना भी इस प्लान का हिस्सा नहीं था। मुझे क्या पता था उसे मरने की इतनी जल्दी है। कहीं तुमको भी जल्दी तो नहीं? कॉफी नहीं, आज मन नहीं है। ओके अच्छा सुनो सुनो, ले आओ, नहीं तो कहोगी कि मैं नाटक करती हूं। रखो। कुछ लोग बादल जैसे होते हैं, जब हट जाते हैं तो रोशनी आ जाती है। कुछ अजीब सा टेस्ट है। शीना, तुम अभी तक अच्छी कॉफी बनाना नहीं सीखी। अच्छी कॉफी तो प्रभा बनाती थी, याद है पैट? सॉरी मैम, I'll get you some cookies to go along with it. पैट की फिक्र मत करो, उसको कोई शक नहीं होगा। कॉफी। असर दिखना चाहिए अब। 3 मिनट तो हो गए। अभी वक्त है। मैं टाइम देख रहा हूं। आपको कॉफी पिए अब 1 मिनट ही तो हुआ है। मैं कुकीज देके आती हूं। आई डोंट अंडरस्टैंड, लॉकर खोलने की क्या जल्दी है? मुझे पता है उसमें क्या है। मैम आजकल बहुत स्कैम्स हो रहे हैं, बैंक्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारा वाला रिलायबल है। इट्स ऑल राइट मैम, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? We'll be right back.
मैसिव हार्ट अटैक, कोई चांस ही नहीं था। आई एम सो सॉरी। माय गॉड, बच्चन। Happening, Pat. 3 महीनों में ये तीसरी मौत हुई है यहाँ। मुझे नहीं लगता ये इत्तेफाक है। मैम आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। I'm with you. Thank you. You're a good man. अगर आप कहते हैं तो मान लेता हूँ। अभी आप प्लीज रेस्ट कीजिए। And don't worry about anything. I'm just a phone call away. चलता हूँ। Bye, ma'am. Hello? Can you make it quick, please? Yeah. Do you want something? A virgin pina colada, maybe? Sorry about Ricky. Can we come to the point directly? The point is, Sheena Roy, कि अब उस वसीयत से सिर्फ एक इंसान को फायदा हो सकता है और वो हूँ मैं। कभी कभी आप गेम अपने टैलेंट की वजह से नहीं, सामने वाले की गलती की वजह से भी जीतते हैं। रिकी के जाने के बाद अब उस नई वसीयत का कोई मतलब नहीं है और मैं खंबाटा मैम की पुरानी विल में भी बेनिफिशियरी हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं अपने फायदे का कुछ फायदा तुम्हारे साथ भी बांट सकता हूं। And now the point is कि मुझे मेरी रिकॉर्डिंग वापस कर दो। मैं ओरिजिनल बिल जाकर वापस लॉकर में रख दूंगा। ना खंबाटा मैम की फिक्र और ना ही जेल जाने का डर। डील? Do I have a choice? आप कल आ रहे हो ना खंबाटा मैम से मिलने, तब ले लेना। Good. तुम इस सिचुएशन को प्रैक्टिकली हैंडल कर रही हो, अच्छा लगा। गुड इवनिंग मैम। It's a good day, ma'am. Indian Petrochemicals के mutual fund में 20% का bonus मिला है। अगर आप इसे sign कर देंगी तो कल ही मैं जाकर। तुम्हारे आने से मेरा सुर बदल गया है। Bad timing. Sorry about that, ma'am. आपको रुकना नहीं चाहिए था। बहुत अच्छा बजा रही थी। ये भी तुम्हारे जैसे हो गई है। मैम हमारे ऐसे नसीब का है। और वैसे भी she's not my type. Really? And what's your type? 70 plus. You scoundrel. मैं झूठी तारीफ नहीं कर रही हूँ। मैं इसका ओरिजिनल सीडी लगा देती हूँ, दोनों में फर्क ही नहीं पता चलेगा। सर वो सीडी लगा देंगे प्लीज, आपके पीछे ही है। That one, the second one from the left. शोपा लिखा है उसपे, if you don't mind. Yeah, sure. You know better than to challenge me. Ma'am, play along.
फकत तहसन की बुढ़ी है, आंख से दिमाग तक सब कुछ जवाब दे चुका है, सिर्फ जबान चलती है वो भी कैची की तरह। शी इज अ ब्लडी बोर। प्ले इट अगेन पैट, प्ले इट अगेन सैम, रिमेंबर कैसाब्लांका, मेरी सबसे फेवरेट पिक्चर। प्ले इट अगेन पैट। पसंद माय फुट, जवान मर्दों का शौक है बुढ़िया को। कभी कभी सोचता हूं कि इससे शादी कर लो। हाँ थोड़ा झेलना पड़ेगा, पर जस्ट इमेजिन व्हेन शी इज गॉन तो जैकपॉट लग जाएगा। तुम तो मुझसे भी अच्छा बजाते हो पैर। प्रॉमिस किया था। क्यों? Why did you mess it up? रिकी के जाने के बाद एवरीथिंग इज मेस्ड अप। आई कैन मेस इट अप मोर। मैं खंबाटा मैम को बता सकता हूं कि कैसे तुमने मुझे फंसाया और नकली वसीयत बनाई। बैंक से वसीयत निकालना और फिर फौजरी में बच्चन का साथ देना, फौजरी के लिए जेल हो सकती है, आप ही ने कहा था ना। Are you sure, ma'am? Yes. Don't waste my time, Gaurav. Bank से वो मेरा will लेकर आओ। Pat का नाम निकाल कर एक नई वसीयत बनाओ कल तक। आप कभी माफ नहीं करती, नहीं? माफ करूंगी तो भूल जाएगा। सजा कोई नहीं भूलता। गौरव इसके लिए भी 10 लाख लिख देना। Poor girl. थैंक यू मैम, आप सिर्फ मेरी सैलरी का हिसाब कर दीजिए। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ बिना कोई एहसान लिए। हेलो, मैंने तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला है। थैंक यू मैम, यू आर वेरी काइंड। आई एम सॉरी बट आई लीव टुनाइट। ओ गॉड, हियर वी गो अगेन। गौरव, मुझे प्रायोरिटी पे एक गवर्नेंस चाहिए, और तुम वो गलतियां मत करना जो पैट ने की थी। यस। हेलो मैम, आप मेरा फोन उठाती नहीं है, इसलिए मुझे दूसरे नंबर से करना पड़ा। कुछ रह गया मेरे बारे में कहने के लिए? आपसे एक बार मिलना था मैम। आवर रोमांस इज ओवर, लव अ बॉय। बहुत जरूरी बात है मैम। और अगर मैं नहीं मिलना चाहूं तो? आपकी जान को खतरा हो सकता है। कैन यू बिलीव इट, दिस स्वाइन मुझे मौत की धमकी दे रहा है। रिलैक्स, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे मैं नीचे सिक्योरिटी को आगाह कर देता हूं, वो इस कॉम्प्लेक्स के आसपास भी नहीं आ पाएगा।
यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं पैट की तरह बुलाने में नहीं, आने में यकीन करता हूँ। जिस घर में किसी की याद रहती हो, मुझे वो घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओरिजिनल बिल का है? ओरिजिनल विल कंबाटा को दिखाकर वो जैसा चाहती है एक नई विल बनाओ। फिर इन दोनों विल्स के साथ क्या करना है ये तो तुम जानते हो। लॉकर में जो वसीयत है वो वही रहेगी, आखिर खुलनी तो वही है। और यहां दोबारा मत आना, हम दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं दिखना चाहिए। गुड इवनिंग मैम। मैम 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 आर यू ऑल राइट? मेरा ब्लड शुगर चढ़ गया है और मेरा बीपी भी ठीक नहीं है। जसिंथा वो अपनी छुट्टी पे गई है। करो मुझे जरा वहां से इंसुलिन दे दो। मैम द बॉटल इज एम्प्टी। नहीं वहां दूसरा होगा, नया वाला, देखो ठीक से। देयर इज नो अदर बॉटल। हैंग ऑन मैम, मैं सामने वाले केमिस्ट से लेके आता हूँ। फोन से ऑर्डर करेंगे तो टाइम लगेगा। जल्दी जाओ। मैं चलता रहा और मैं चलता गया। वो नई गवर्नेंस जब रात को वापस आई तो खंबाटा नीचे गिरी हुई थी। डॉक्टर नवीन आए और डेथ सर्टिफिकेट दे दिए। डेथ ड्यू टू सीजर हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से। यही लिखा था डॉक्टर ने। गॉड एक्ट्स इन सम स्ट्रेंज वेज। 10 दिन और, एक बार पूरी फॉर्मेलिटीज हो जाए और आपके अकाउंट में पूरे पैसे आ जाए, लाइफ विल बी नेवर एंडिंग पार्टी। फिर कभी इस शहर में वापस नहीं आना। Make a withdrawal? Of course. Oh, what do we have here? Are you the Sultan of Brunei's new wife? It's a long story. Yes, Gaurav. कुछ आ गया। इट्स ऑल हियर इन ब्लैक एंड व्हाइट। ऑफ कोर्स यू डिजर्व अ वेकेशन एंड यू शेयर टू। आपके साथ बिजनेस करके बड़ा मजा आया। आई विल सी यू सून।
मुझे लगा तुम हम सबका साथ छोड़ के चले गए। साथ छोड़ा था, पीछा नहीं छोड़ा था। मैंने खंबाटा को वार्न करने की कोशिश की थी, पर खंबाटा बीइंग खंबाटा डिडंट लिसन टू मी। स्टबर्न ओल्ड वुमन। और मुझे शुरू से इंक्लिनेशन था कि जितने सीधे तुम बनते हो उतने हो नहीं, इसलिए मैंने तुम पर नजर रखना शुरू किया। आजकल मैंने एक नया शौक पाला है, पटन से खेलना। शीना की देन है। खम्बाटा के फ्यूनरल पर मैं आप दोनों से कुछ ही दूरी पर खड़ा था, पर यू वर टू बिजी टू नोटिस। सन्नाटे में आपके विस्पर्स भी एकदम क्लियर रिकॉर्डिंग में है। दिस रियली वर्क्स। जब बार काउंसिल को पता चलेगा कि खम्बाटा की मौत में तुम्हारा क्या हाथ है, देन दे विल बैन यू फॉर लाइफ। It's all over, Mr. Gaurav Sharma. Come on, Pat. Let's make it a happy ending for both of us. Sure. Where is she? Announcing the arrival of Singapore Airlines flight SIA214. Announcing the arrival. एयरपोर्ट से बाहर निकलते यू विल फाइंड अ कार अरेंज्ड बाय हर, सेल्फ ड्रिवन। वेलकम सर। सरप्राइज। मैं जानता हूं तुम्हें किसी और का इंतजार है। ब्रिलियंट। पहली मुलाकात में मैंने तुमसे कहा था कि गवर्नेंस का काम तुम्हारे लायक नहीं है। कैसे सोच लिया तुमने ये सब? और मैं यहां अपने आप को मैथमेटिशियन समझता था। How did you get here? क्योंकि तुमने गलत पार्टनर इन क्राइम चुना। बाय द वे, गौरव इज आउट ऑफ द पिक्चर नाउ। हाउ कैन यू बी सो श्योर? ट्रस्ट मी, दिस टाइम आई एम। दूसरों की गाड़ी में बैठने की आदत गई नहीं तुम्हारी। तो आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। तुमने कैसे सोच लिया कि रिकी के लिए इतना सब करने के बाद मैं कोई विटनेस या सबूत छोड़ दूंगी? रियली? टेल मी मोर। फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ पैट। गुड बाय। पता है कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे रिकी, बट मैं खम्बाटा के घर से खाली हाथ नहीं आना चाहती थी। इट्स ऑल योर्स नाउ, रेस्ट इन पीस।
शाख पे खिलते हैं खाल तो किसी ने न की साथ मेरे वफा धोखा दे अक्सर होता ये अक्सर टूटे दे अक्सर किसको सताएं तू किसको पुकार लूं खामोशियां है मेरे दिल के चार सू